कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा दे। स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। ट्रकवाल्यांची स्ट्राइक सुरू झालेली आहे, पेट्रोल शॉर्टेज होत आहे, हम लोग कैसे जाएंगे? ये नवीन नवीन असे कायदे बनवून लोकांना परेशानीमध्ये टाकण्याचं काम करताय सर। जाम लागतोय, बरोबर, हा कानून गलत आहे, हे कायदा नको, असं काय कायदा, हे काढून काय फायदा नाही। महेश लाबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब पेट्रोल पंप पर भी देखा जा रहा है। पेट्रोल डीजल लेने के लिए भारी भीड़ लगी हुई है, यही नहीं, हाथों में बोतल और गैलन लेकर पेट्रोल लेने के लिए लगे हुए लोग हैं, और इनके बीच में कहासुनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर आपको मुमरा की वीरानी पेट्रोल पंप की दिखाते हैं, जहाँ पेट्रोल डीजल लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। दरअसल लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, ऐसे में पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हो सकती है। वहीं दूसरी तस्वीर ठाणे की है, जहां पेट्रोल डीजल लेने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लोग उलझ रहे हैं। बाइक में पेट्रोल के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं लोग गाड़ी के अलावा गैलन और बॉटल में पेट्रोल डीजल लेने के लिए धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया है मोटर व्हीकल एक्ट के नए कानून के खिलाफ, जिसमें एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना है। इसीलिए ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया है, ये 3 दिन का हड़ताल है। लेकिन ऐसे में अब पेट्रोल डीजल लेने के लिए लोगों के लंबी कतारें और एक दूसरे के बीच में कहासुनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सर, हमको कहने का मतलब है, ये जो ये परेशानियां हैं ट्रक ड्राइवर का, इसमें तो पब्लिक ही मारे जा रहे हैं ना सर। हाँ बताइए, अभी देखिए इतना पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, हमको काम धंधे पे जाना है सर, हम लोग कैसे जाएंगे? तो जो सरकार को ये करना है वो या बारी बारी तो हो सकता है ना सर, ये अचानक से कोई से भी फैसला ले लेते हैं सर। अभी ये कौन सा नियम है, आदमी पब्लिक उनका करना वो कर लेते, और मरने वाला पब्लिक है वो मरती है। ट्रक वाल्यांची स्ट्राइक सुरू झालेली आहे, पेट्रोल शॉर्टेज होत आहे, मला वाटतं सरकारी जो कायदा केला तो चांगला होता का, काय माहिती आहे? पहिला जसं रेग्युलर चालू होतं ना, त्या पद्धतीने हरकत नव्हती। हे नवीन नवीन असे कायदे बनवून लोकांना परेशानीमध्ये टाकण्याचं काम करत आहे सरकार। त्यांना हे कळत नाही कुठल्या सरी काय करायला पाहिजे, सगळ्यांना विश्वासात घेऊन ॲक्च्युली कायदे बनवले पाहिजे। त्यांनी विरोधी पक्षांना पण सत्ते न घेता त्यांनी कायदे पास केलेले आहेत, त्याच्यावरती म्हणजे लोकांनीच पण आक्षेप केला पाहिजे, चुकीचंच आहे। लोकांना भीती धरत जातं ना प्रत्येक वेळेस, काही लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली की आता पेट्रोल भरा बाबा, फुलफुल टाक्या भरा, असं चालू आहे। आप परेशानी में आ गए, लाइन में लगना पड़ रहा है। ट्रक वाले का वो स्ट्राइक में हमको कोई परेशानी नहीं है, तो अपना ही पेट्रोल मारने के परेशानी, सुबह काम पर जाने का है ना, इसलिए परेशान है दूसरे को। आपको लगता है सरकार ने ट्रक वालों को भरोसे में रखना चाहिए था नया कायदा बनाने के नाम पर? तो उसके बारे में अपन लोग कुछ मारे है ना, क्या करो।
अरे मराठी मध्ये मला मराठी माणूस नाही भेटत होता, हिंदी सगळे बोलतात. काय बोलायचं आम्हाला विचारतो तुम्हाला, तुम्हाला होणारा त्रास, फक्त काही नाही बोलायचं. सर बसवाल्यांचा स्ट्राईक सुरू आहे, तुम्हाला काय त्रास होतो? पेट्रोल नाही भेटत, जाम लागतोय. बरोबर, हा कानून गलत आहे. मला वाटतं सरकारने विश्वासाला घ्यायला पाहिजे ट्रकवा चालकांना. मग सर्वांना घ्यायला पाहिजे. कोण 10,000 रुपया 7 लाख रुपये भरल आणि 10 वर्ष सजा त्याचे बायको पोरं काय खातील घरी? कोण स्वतःहून करत नाही, चुकून कोण करतो का? हा गलती झाली, स्टेअरिंग रॉड तुटला, टायर फुटला, तो काय होणार? आत्तीपर्यंत होणार ना. मग त्याचे बायको पोरं बारकं बारकं पोरं काय करतील? हा ते असेच भिका मागतील. सरकारने द्यावं त्यांना 1 करोड रुपया. तो ड्रायव्हर 10 वर्ष सजा भोगल. हा निर्णय गलत आहे, सरकारने मागं घ्यायला पाहिजे. एवढं त्रास नाही आहे. चांगलं नाही आहे कसं ड्रायव्हर लोकांना असं थंड हे करणं ते करणं. ड्रायव्हर लोक मजदूरी करतात, मालक थोडे देणार आहे कोणतं त्याच्यामुळे ते काय नियोजन करायला लागेल ना. सरकारने विश्वासाला घ्यायला पाहिजे कायदा पारित करताना. म्हणजे कायदा असं नको हे कायदा नको असं काय कायदा हे काढून काय फायदा नाही आहे. आपल्याला जो आहे रूल तोच रूल करायचा. तुमचा दंड किती आहे तेवढं ते भरायचं, 500 रुपये जे आहे ते दंड भरायचा, निघून जायचं. दिवशी क्लास.